Hello everyone, today we are going to do this third poem, Keeping Quiet. This poem is written by Pablo Neruda. He was born in 1904 and he died in 1973. And he got the Nobel Prize also for literature in the year 1971. So let's start the poem first. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. In the opening lines, poet involves the reader by performing an activity. He asks the reader to do the counting up to 12 and remain still during this. He further asks not to speak either in any language of the world. During this, he suggests that we should not move our arms and stop all our activities altogether. Arms have a suggestive meaning here. Also that we should not use armor or remain inactive during this period. By doing so, there will be an utter calmness altogether. यहाँ पोएट कहता है, आओ हम सब 12 तक गिने और एक स्टिलनेस बनाए रखें, एक स्थिरता बनाए रखें. यही नहीं, पोएट हमें इस दौरान दुनिया की किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए मना करता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे और हमें अपनी बाजू भी हिलाने के लिए मना करता है. यहाँ आर्म्स का दो अर्थ हैं, एक जो हमारे बाजू हैं और दूसरे जो हमारे अस्त्र हैं, यानी कि वेपन्स हैं. पोएट हमें अस्त्रों के प्रयोग के लिए भी मना कर रहा है और उन क्षणों में स्थिर और शांत रहने के लिए भी कह रहा है और साथ में ये कह रहा है कि आप कोई अदर एक्टिविटी भी उन क्षणों में ना करें, कोई भी गतिविधियां ना करें. ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स सारा संसार, होल वर्ल्ड. कीप स्टिल मीन्स स्थिर रहना, टू स्टॉप एक्टिविटीज. नॉट मूव आर्म्स हियर मीन्स शांति से रहना, अस्त्रों का प्रयोग ना करना. Be in peace, inactive, without use of armor. Now the next answer. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden straightness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. Here poet says, if we do so, like we will be calm, still and inactive, it would be certainly a very strange or a wonderful moment without any hurry to do things fast and without any choice prevailed all over with human activities. There would be an utter calmness all around. Everyone will feel a sense of togetherness, for there won't be any language barrier. As there is no activity going on, fishermen won't hurt whales in the sea. Poet means to say that man won't hurt other animals living on earth or in water for their selfish reason. Similarly, man who is gathering salt will see his wounded hands. He will stop his work for some time and think of himself. Here, without rush means bina bhagdor, without hurry. Without engine means bina machino ke, without running factories and machinery. यहाँ पोएट कहता है, यदि ऐसा होता है कि एक बहुत विचित्र क्षण होगा, एक बहुत ही स्ट्रेंज दृश्य होगा जिसमें किसी भी तरह की भागदौड़ नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, फैक्ट्री या मशीनों का शोर भी नहीं होगा और अचानक से पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक शांति से छा जाएगी. भाषा की भी कोई बाधा नहीं होगी और सभी एक दूसरे के प्रति एकता और भाईचारे की भावना हमारे बीच में विकसित होगी. चूंकि इन क्षणों में हम कोई काम नहीं कर रहे होंगे और इसलिए हमें अपने सोचने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि हम आजीवन अपने लिए काम ही काम करते रहते हैं और हमें अपने सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता.
इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है जो हम पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ सारा जीवन करते रहते हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे, स्थिर हो जाएंगे और शांति बनाए रखेंगे तो हम अपने बारे में भी यहाँ सोच सकते हैं। भाषा की भी कोई बाधा नहीं होगी और हम एक दूसरे के प्रति जो एकता और भाईचारे की भावना है वो भी हमारे बीच में विकसित हो जाएगी। चूंकि इन क्षणों में कोई काम नहीं कर रहे होंगे इसलिए हम अपने बारे में भी सोचने का हमें अवसर मिल जाएगा। मछुआरे गहरे समुद्र में वेल्स मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे और इस तरह से कवि दूसरे जानवरों के प्रति दया करने को भी सीख दे रहा है। साथ ही नमक इकट्ठा करने वालों को भी अपने घायल हाथों को देखने को मिल जाएगा, वे ज्यादा कलालच छोड़कर अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। तो जब हम सारा दिन बिजी रहते हैं और जैसे फिशरमैन है वो व्हेल्स को, अगर वो व्हेल्स को नहीं पकड़ेंगे तो मछलियों को कोई हानि नहीं होगी। और ऐसे ही कवि दूसरे जानवरों के लिए भी कह रहा है कि अब अगर हम उन्हें हंट नहीं करेंगे, उन्हें ही मारेंगे तो उन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और दूसरा, जो समुद्र से इतना खारा नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जब इकट्ठा करते हैं उनके हाथों में जो जख्म हो जाते हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करना होता है और अपनी कमाई के लिए पूरा दिन वो लगा देते हैं। तो अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो उन्हें भी वो टाइम मिल जाएगा अपने हाथों को देखने के लिए, अपने जो जख्म हाथों में हुए हुए हैं नमक को इकट्ठा करने से। तो अपना जो लालच वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोच पाएंगे। दोस्त हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। हियर वॉर मॉन्गर्स, जो वॉर करने वाले हैं उनके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। वॉर मॉन्गर्स विल नॉट थिंक अबाउट क्रिएटिंग अ फ्रेश वॉर विद देयर नेबर्स एंड ऑल्सो विद देयर नेबरिंग कंट्रीज। वॉर्स विच आर फाउट विद केमिकल वेपन्स एंड विद फायर आर्म्स विल स्टॉप इमर्जिंग बाय दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सच वॉर्स आर वन बट नो वन सर्वाइव्स। So such warmongers will stop producing wars and start living even their enemies like brother. They feel a sense of brotherhood. Now poet make it very clear that he doesn't advocate total inactivity and death. One should not left his work for good. Inactivity is like death itself. Life should not stop and must move on. यहाँ पोएट बोलता है कि जो लोग युद्ध पैदा करते हैं, जो युद्ध करने के लिए आगे रहते हैं, हमेशा अशांति फैलाते हैं और खतरनाक रासायनिक और अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, ऐसी विजय चाहते हैं जिसमें कोई जीवित नहीं बचता, और वह भी अपने दुश्मनों को भाइयों की तरह देखना आरंभ कर देंगे अगर वो युद्ध ही नहीं करेंगे और इतना खून खराबा नहीं करेंगे। तो जो उनके दुश्मन होंगे वो भी अपने भाइयों की तरह उन्हें देखेंगे, उन्हें ट्रीट करेंगे और शांति से रहना आरंभ कर देंगे। कवि कहता है कि उसकी बातों का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए यहाँ पर। यदि सदा के लिए काम बंद करने को लिए नहीं कह रहा, कुछ तो करना ही है मृत्यु के, अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये एक मृत्यु के समान है और पोएट का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। जीवन तो वैसे ही चलने का नाम है और ऐसे ही चलते रहना चाहिए। Here green wars means युद्ध पैदा करना, to create war, war with gas means रासायनिक हथियार, war with chemicals, war with fire means अग्निशस्त्र, war with firearms, clean clothes here means बदल जाना, to change oneself. In the shade, शांति से peaceful atmosphere. No talk with death means मौसे सरुकानी, not related to death and inactivity. If we were not so single-minded about keeping ourselves moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death.
Here Poet says, all of us should be determined to keep our life moving on. If we stop our activities for a few moments, a huge silence may prevail as a result of it. This silence may break sadness of never understanding ourselves. As a result of this silence, we feel threatened with death. This moment will set aside this sadness. यदि हम अपने जीवन को चलाने के रखने के लिए एक ड्रिन है डिटरमाइंड है तो कुछ क्षणों को खामोशी से और उस उदासी को दूर करने में हम सहायक होंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे जो हमारे अंदर अपने आप को समझ ना पाने के लिए व्याप्त है। उस उदासी को भी हम दूर कर देंगे जो सदा मौत के भय से के कारण से ही हमें महसूस होती है कि एक दिन तो मर जाना है, तो वो उदासी ऑलवेज रिमेन्स इन आवर सेल्फ। तो उस चीज से भी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सिंगल माइंडेड हेयर मीन्स ड्रेन डिटरमाइंड। नाउ लास्ट लाइंस, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। हेयर पोएम प्रेजेंट अ ब्यूटिफुल सिंबल ऑफ अर्थ। अर्थ सीम्स डेड ड्यूरिंग विंटर। There is no greenery and freshness left on earth. Everything seems dead and lifeless. When season changes, it proves alive once again. Similarly, we should remain inactive and still for a few moments and do the introspection. And then we should restart our work and full energy and enthusiasm. Now, poet says that he will count up to 12 and ask us to be still. यहाँ पोएट हमें संकेत करता, हमें बोलता है कि धरती का उदाहरण दिया जा रहा है और सर्दी के मौसम में जो एक एटमॉस्फेयर होता है एक बिल्कुल डेड मृत की तरह लगता है। धरती पर कोई हरियाली नहीं होती है, कोई जीवन प्रतीत नहीं होता है, लेकिन मौसम के बदलने पर ये धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, इसमें फिर से एक जीवन जीने की इच्छा हो जाती है। तो हमें भी कुछ क्षण निष्क्रिय रखकर आत्मचिंतन करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए और फिर से एक पुराने जोश से दोबारा काम में लग जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पोएट 12 तक गिनने के लिए कहता है और हमें स्थिर रहने को सलाह देता है। सो दिस वॉज द समरी। होप यू लाइक इट।